बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग जी? आज मैं आप लोगों के लिए, विंटर स्टार्ट हो गए हैं तो सूप जो है सब बहुत शौक से पीते हैं, तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इजी रेसिपी लाई हूँ सूप बनाने की, कॉर्न सूप, चिकन कॉर्न सूप। तो चलिए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी है इस रेसिपी को बनाना। तो सूप बनाने के लिए जो हमें इन्ग्रीडियंट्स चाहिए होंगे, पहले तो हमें ये देखिए, आप ये कॉर्न है, इनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। आप देख सकते हैं इसको मैंने बॉईल करके रख लिया है। मर्ज़ी है आपको कॉर्न डालने हैं या नहीं डालने, मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने बॉईल कर लिए हैं। अच्छा, ये है अंडे, दो बॉईल देसी अंडे जिनको मैंने बॉईल कर लिया है और स्लाइसिस में काट लिया है। आप चाहें तो देसी अंडे ना भी हों तो कोई मसला नहीं है, मेरे पास देसी रखे हुए थे तो मैंने देसी अंडों को बॉईल करके स्लाइसेस में काट लिया है। और ये है चिकन, चिकन को जो मैंने बॉईल करके रेशा रेशा कर लिया है। और ये है कॉर्नफ्लावर, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। हाफ प्याली जो कॉर्नफ्लावर है इसमें मैंने पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लिया है। और ये है एक अदद अंडा जिसको मैंने अच्छे से फेंक लिया है। तो चलिए हम अपनी जो है सूप बनाने की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में। और अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप बेल नोटिफिकेशन को जो है प्रेस नहीं करेंगे तो आपको जो है मेरी न्यू वीडियोज़ नहीं मिलेंगी। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जी। तो ये यखनी है, इसमें मैंने जो है चिकन को बॉईल किया था, तो मैं इसी यखनी में अपने जो सूप को है रेडी करूँगी। आपकी मर्ज़ी है कि आप अलग से भी पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो इस यखनी में आप सूप बनाएंगे इसका जो टेस्ट है वो अलग ही आएगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस ट्रिक को। तो चलिए पहले तो हम इसमें जो है अपने जो कॉर्न्स को ऐड कर देते हैं, फिर हमने इसमें अपनी चिकन को ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जो है हमारा जो अंडा था फेंटा हुआ उसको हम हल्के हल्के से डाल के चमचा चलाते जाएंगे, चमचे को नहीं रोकना वरना जो है हमारा एग अच्छे से नहीं मेल्ट होगा इसमें। तो आपने हल्के हल्के से चमचे को घुमाना है और एग को ऐड करना है जी। तो ये हमने एग ऐड कर दिया, अब हम इसमें जो है कॉर्नफ्लावर के पेस्ट को ऐड करेंगे और इसे गाढ़ा होने तक अच्छे से पकाएंगे जी। तो इसको हम गाढ़ा होने तक 5 मिनट तक पकाएंगे, जब तक ये गाढ़ा हो जाएगा और हमारा सूप रेडी हो जाएगा जी। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं और सूप गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें जो है बॉइल एग को जो है ऐड कर देंगे और थोड़ा सा चाइनीज़ नमक, और नमक जो हम खाते हैं वो आपने हसबे जायका ऐड कर देना है। तो ये देखिए हमारा जो है सूप तैयार है, तो चलिए हम इसे डिश आउट करते हैं जी। तो देखिए हमारा मज़ेदार सा सूप तैयार है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।